नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 7 अक्टूबर 2021 राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूं। मेष से लेकर हम मीन तक सभी राशियों की चर्चा करेंगे। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। कल से यानी कि जब नव दुर्गा की शुरुआत होगी यानी नवरात्रों की शुरुआत होगी तो हम आपके लिए लेकर आएंगे इस दीपावली में पूजन करने के लिए साक्षात लक्ष्मी गणेश। साक्षात लक्ष्मी गणेश, अभी तक आपने मिट्टी के मूर्ति की पूजा की, सोने की चांदी की, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट होती है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपकी राशि के अनुसार या आपकी कुंडली के अनुसार या आपके लग्न के अनुसार सोने की धातु की पूजा करना या चांदी की धातु की पूजा करना आपको शुभ परिणाम दे, ये कुंडली देखकर तय होता है। लेकिन मैं आपको साक्षात गणेश लक्ष्मी के दर्शन कराऊंगा, जिसको देखकर आपको स्वयं अनुभव होगा कि ये साक्षात हैं यानी ओरिजिनल हैं, और इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। तो साक्षात देवी देवता की पूजा करना आपको इस दीपावली में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। तो लक्ष्मी गणेश साक्षात रूप में कैसे होंगे ये कल से मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो चीज़ें चढ़ाने से कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा भी। और ये पूरी किट होगी जिसको खरीद कर आप साक्षात गणेश लक्ष्मी की पूजा करके और उनकी पसंद की चीज़ें उनको अर्पण करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और कुंडली के अशुभ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो कल से जो आप वीडियो देखेंगे हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप भी इस दीपावली अपने मन की इच्छाएं पूरी कर पाए। तो थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद आप लोग अपने ऑर्डर बुक करके इसको प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं राशिफल की, 7 अक्टूबर 2021 के राशिफल की। मेष राशि, आप बहुत दिनों से रुके हुए धन को प्राप्त कर पाएंगे। यह समय सट्टेबाजी पर धन निवेश करके कुछ अच्छा पैसा कमाने का होगा। आप अच्छे परिणाम पाने के लिए मेहनत करेंगे और मेहनत सफल होने से खुश हो जाएंगे। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करके आप खुश हो जाएंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। भावुकतावश कोई निर्णय ना लें, आपके भावुकतावश निर्णय लेने से आपको तकलीफ हो सकती है। आज आपको आपके परिवार वालों का आपके बच्चों का सहयोग प्राप्त होगा। गणेश जी की उपासना करने से मंगल ही मंगल होगा। वृषभ राशि, आज परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को मित्रों या सगे संबंधियों की पक्ष की तरफ से कोई विवाह का रिश्ता आ सकता है। समय प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने का है। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। मित्र मंडली में एक दूसरे से घुल मिल कर रहेंगे। जीवन साथी को उपहार देकर उनके दिल को जीता जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। किसी गुप्त रोग या मूत्र संबंधी रोग से परेशानी है तो उसका डॉक्टरी इलाज तुरंत कराएं। कुल मिलाकर दिन आनंदपूर्वक बीतेगा और अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में लाभ हो सकता है। विद्यार्थी अपने अध्ययन में व्यस्त रहेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेमी प्रेमिका से मिलने का वक्त निकाल सकते हैं। व्यापारी लोगों का व्यापार बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे और आज कुछ बड़ा वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। कर्क राशि की बात करें, आज प्रसन्नता भरा दिन रहेगा। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार होंगे। प्रेम संबंध अच्छे चलेंगे। कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होने की संभावना है। नया दोस्ती हो सकती है। आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हुए बुद्धिमत्ता से निष्ठापूर्वक आगे बढ़ेंगे। शेयर मार्केट जुए इत्यादि में धन लाभ हो सकता है क्योंकि आज का दिन आपके पक्ष में है, तो जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग होगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगेंगे लेकिन बीच बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर करेंगे, इस तरीके से पार्ट यानी टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। आप अपने उद्योग में अपनी नौकरी में पूरी एनर्जी लगाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। बात करेंगे सिंह राशि की, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नतापूर्वक होगा, उल्लास का होगा। आपसी तालमेल से
आप लोग और आगे बढ़ेंगे, वातावरण घर का अच्छा होगा, आपको गुप्त रास्तों से धन प्राप्ति हो सकती है। यदि आप घर पर रहकर कुछ काम करते हैं तो उसमें लाभ होगा आपका, कोई घर से चलने वाला बिजनेस बहुत अच्छे लाभ देकर जाएगा, कोई लाभ का सौदा हो सकता है जैसे कोई मकान दुकान खरीदना बेचना किराए पर देना, इसमें अच्छा लाभ हो सकता है। आपको सभी क्षेत्रों में जीवन साथी का साथ मिलेगा, विद्यार्थी अपनी एकाग्रता खो सकते हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई में थोड़ी तकलीफ होगी। कन्या राशि की बात करें, आज कड़ी मेहनत करने का दिन है, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना होगा, आप अपनी हिम्मत से और अथक प्रयासों से कार्य में सफल होंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों से भी मधुर संबंध बना के रखें, नहीं तो परिवार में तकलीफ हो सकती है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा, प्रेम करने वाले जो भी प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा। समय किसी व्यापार में निवेश करके या नौकरी का इंटरव्यू देकर सफलता पाने के लिए शुभ बना हुआ है। तुला राशि की बात करते हैं, कड़ी मेहनत का दिन है, आपको लक्ष्य अपना प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहन का संबंध अच्छा रहेगा, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। जोखिम उठाने वाले जो भी काम है थोड़ा रिस्क लेकर करेंगे तो आपको विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, या थोड़ा रिस्क लेंगे तो लाभ भी थोड़ा अच्छा होगा। पुराने मित्रों से संपर्क बढ़ेगा, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बोल चाल की भाषा को ठीक रखें, वाहन इत्यादि ठीक प्रकार से चलाएं, गप्पे वप्पे ना मारें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आज पूर्णता का दिन है, विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपना अध्ययन करेंगे, व्यापारी लोग आत्मविश्वास से भरे होंगे, अपने कार्य में खूब मन लगाएंगे, धन कमाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। अविवाहित हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस से आपको रिश्तों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बच्चे अच्छा करेंगे, वृश्चिक राशि वालों को भी खुशी आज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हम बात करेंगे अब धनु राशि की, आज आपका उत्साह वर्धन किए जाने की संभावना है, लोग आपके अच्छे काम को भी बुरा कहकर आपको नीचा गिराने की या छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, खर्चा ज्यादा हो सकता है, खान पान के मामले में सावधानी रखें, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में फंस कर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, व्यापारी लोगों को आज मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे, ऑफिस में भी अपने काम से काम रखें वरना बॉस की डांट खानी पड़ सकती है। मकर राशि, आज आप अपना धन कमाएंगे या जोड़ेंगे भी अच्छा रहेगा, सपने पूरे होने का दिन है, जीवन साथी के साथ रोमांटिक मूड में होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तो बढ़िया दिन है। कुंभ राशि की बात करें तो आज आप अपने अधिकारियों का सहयोग और सपोर्ट पाकर बहुत खुश होंगे, व्यापारी लोगों को व्यवसाय करने में अच्छी सफलता मिलने वाली है, दिन आपका बेहतरीन बीतने वाला है, आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित होगा, जीवन आपका अच्छा चलेगा, आप लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपके बच्चों का व्यवहार थोड़ा सा नटखटा या चंचल या जिद्दी स्वभाव का हो सकता है जिससे आप थोड़े से रुष्ट हो सकते हैं, बच्चों के सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, आमदनी के नए रास्ते प्राप्त होंगे, कुंभ राशि वालों का दिन बढ़िया है। मीन राशि करें तो सफलता प्राप्ति का दिन है, संतान उन्नतिशील प्रगतिशील होगी, विद्यार्थी अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई एकाग्रता से करेंगे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है या उनको लाभ हो सकता है, यह समय बहुत अच्छा है निवेश करने के लिए, कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे, तो मीन राशि वालों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज के दिन आपको कुछ नहीं करना है, आज के दिन सिर्फ अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और जीवन में आगे बढ़ें, गुरु का आशीर्वाद लें आगे बढ़ें, मंदिर जाएँ, किसी भी धर्म स्थान पर जाएं, वहां पर जाकर कोई साफ सफाई कर सकते हैं तो करें, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, और नहीं कर सकते हैं तो वहां पर जाकर कोई सेवा करें, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भगवान के दरवाजे पर जाकर सेवा करने से जो मेवा मिलेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा और बहुत ही लाभकारी होगा। आपके जीवन में कोई समस्या कोई परेशानी तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और कल से साक्षात लक्ष्मी गणेश आपके समक्ष होंगे और इनको मंगाकर आप अपने दीपावली में शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे, फिर आप कहेंगे वाकई में 2021 की दीपावली हैप्पी दीपावली हो गई। हरिओम नमस्कार।